ये रही मेरी कस्टम नंबर प्लेट, इसमें दिख गया होगा क्या लिख रहा है, बट चलो ठीक है, अभी लगाने के बाद एकदम फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं तुम्हें। ये पहले का पता नहीं क्या क्या लग रहा था, ये छूटेगा पहले तो। इसमें पहले पिन लग रही थी ना, तो अब ये लगेगा नहीं इसमें पेच, तो पहले पिन वाली चीज पे ड्रिल मारो। वो कह रहा है भाई ड्रिल तो लगेगी नहीं, मैं कहा तू मार है ना, कह रहा नहीं लगेगी, मैं कहा मार, हम बता रहे हैं। क्या सही थी ना, एक बार ही जाएगा अंदर। हाँ इस वाले छेद में ड्रिल करते थोड़ा फकअप हो गया, ये तो परफेक्ट हुआ, इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई। यही तो बात है इंडिया की, हर चीज का जुगाड़ मिल जाता है। भाई थोड़ी सी दिक्कत आते हुए तो ये पूरा ही खोल दिया, अब अंदर से पता नहीं रिपीट पिपिट के रहा है, वो लगेगा कोई नहीं, बढ़िया लग रहा है मतलब, मेरे को तो भाई पे ट्रस्ट ही कर लेगा, इसलिए खोल दी पूरी गाड़ी को, दिक्कत ना है। बड़े बड़े हथियार निकल चुके हैं गाइस, ये आदमी अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर से डाल रहा है, अंदर से ले रहा है। भाई पकड़ो इसको, ऐसी मेहनत कराएगा। ना ना कोई ना भाई, बता एक फ्रेम लगाने के लिए तीन तीन आदमी लगा दिए अपने साथ, अकेला नहीं मार सकते, प्लेट अंदर रखी है। ये इंडिया डीजे प्लेट, लो भाई वापस पैकिंग हो गई ऊपर की। आई प्रेजेंट यू माय कस्टम नंबर प्लेट विच इज इलीगल एज। गर्मी गर्मी गर्मी, तो चलो भाई मैं तो अभी घर ही जाता हूँ, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, फिर आपको गाड़ी की फाइनल लुक दिखाऊंगा। वैसे देख लिया क्या नंबर प्लेट की तो है, पर साफ सुथरी गाड़ी पे नई नई नंबर प्लेट अच्छी लग रही है, बदमाश वाली गाड़ी लग रही है थोड़ी सी। इतनी सारी बसड़ मैंने फ्रेम किस लिए लिया, क्योंकि मेरे को नंबर प्लेट कभी भी लगानी पड़ सकती है ना ओरिजिनल वाली, तो इसलिए मैंने फ्रेम लगाया, ना तो डबल साइड टेप से चिपका देता इसको भी, लुक तो अच्छी आ रही है, कस्टम नंबर प्लेट भाई। हाँ तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं, देखते गुड़गांव में अभी तक लाइट की ना दिक्कत सही नहीं हुई है, देखो पीछे ये बेचारे का मुंह खुला रह गया एसी का, इस लाइट ने दिमाग ही खराब कर रखा है। बाहर वैसे तो धूप नहीं निकल रही, बट गर्मी फूल है भाई, होगा आराम से 48-40 अंदर हो गया तो वापस, इससे बढ़िया तो अपना पंखा ही ठीक है। फिलहाल मैं अपने एक बेस्टी के घर जा रहा हूँ, वो बेस्टी का नाम है धोनी, आ रखी है पुणे से, कह रही कि यार तू अब तो अब बेचारी बाहर रहने लगी, कभी कभार आती है, कह रही आ जा मिलने, कभी कभार क्या पता नहीं साल में एक दो बार ही आती है, तो थोड़ी देर उसके घर चिल करेंगे, एक दोस्त और आ रहा है। क्यों देख के जा रहा है आदमी मेरे को, लुक दे के गया, कौन है भाई तू, बलिनो वाले। एक तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी ना सड़कों पर, मेरे को सेक्टर 56 आने में 10 मिनट भी लगते थे, 20 मिनट लग गया आज, इतनी भीड़। गाइस वेलकम टू वत्सल यादव व्लॉग्स, एक सब ने टेक ओवर कर लिया मंडे को, मेरे को नहीं करना है, मैं मेरे को क्यों नहीं दिखा रही है तू। हेलो देखो शर्म, हेलो, ओहो टू मच, अरे भूत भूत है क्या यहाँ भाई, पे नीचे जाके बात करूंगा। हाँ अब ठीक है, लिफ्ट में ठीक है, तो कैसी क्रीपी सी लिफ्ट है, इसमें लाइट वो नहीं है, शीशा, टू मच क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है आदमी। तो वो इसके भाई के दोस्त छोटे छोटे से और सारे घर परिवार वाले आगे बैठ गए, नाइस नाइस वेरी गुड, ऐसे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया मैं कि इतने सारे लोग आ गए ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। माता जी कितने हो, आज आपका बेटा हार गया पैसे बहुत सारे, किस चीज में, जुए में, गैम्बलिंग करने लगा, गैम्बलिंग करने लगा, जुए में बहुत सारे पैसे हार गए, कितने पैसे, 400 रुपए, तो एक काम कर मैं तुझे लगा देती हूँ दाव पे, मेरे को ही दाव पे लगा रहे हो, मेरे ही नुकसान कराओगे, तू ही दाव पे लग जा, मजाक कर रहा हूँ, 400 रुपए यार ने पार्टी दे दी दोस्तों को, इसका बात करना इम्पोर्टेंट है या व्लॉगिंग इम्पोर्टेंट है, इसका बात करने मजाक कर रहा हूँ गाइस, दोस्ती में अपना ऐसे कोई गैम्बलिंग वाला सीन नहीं है, दोस्ती में कितने पैसे उड़ा सकता है तुम्हारा यार, क्योंकि वो अभी कमा नहीं रहा ना, तो मम्मी के पैसे उड़ा रहा हूँ दोस्ती में, बोल दिया। तो जैसे कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो एक नई चीज हुई है मेरे रूम में, बहुत ही ज्यादा समय से मेरे को था इस चीज को होने का, ऐसे गेस करो कि मेरे रूम में एक चीज लग रही थी, वो काफी टाइम से नहीं लगी थी, तो क्या चीज थी वो, अगर तुम्हारा जवाब पर्दे है तो गाइस तुम बहुत ज्यादा सही हो, क्योंकि ये देखो पर्दे लग चुके हैं, रूम एकदम अलग ही लग रहा है अब तो भाई, जिसे कहते हैं ना लग रहा है कि अब रूम, मेन तो प्राइवेसी थी, अब वो भी कम्प्लीट होगी नहीं, मेरा रूम सबसे बाहर वाला था ना, सब दिखता था रात को,
तो थोड़ा ऑकवर्ड सा मैं खुद ही फील करता था, कोई मेरे को देख रहा हो भाई, पूरे सामने रोड है यार और लाइट जल रही थी, मैं यही बेड पे पड़ा रहता हूँ यार। रूम के वैसे पूरी लुक चेंज हो गया ना, अगर आपको पहले देखा होगा आप लोगों ने रूम, तो मस्त लग रहा है फिलहाल तो। गाइस इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना मेरे को व्लॉग करने में, क्योंकि मेरे को ट्रिप से आया 4-5 दिन हो गए और मेरे व्लॉग एक्स्ट्रा में पड़े थे ट्रिप वाले, तो मैं नॉर्मल व्लॉग कर ही नहीं रहा था इतने दिन से। मतलब बढ़िया रेस्ट चल रहा था मेरा 4-5 दिन से, आज व्लॉग बनाया इतने दिनों बाद ऐसे नॉस्टैल्जिया आ रहा है कि भाई खुद से बात करने का। तो एक बात मेरे को करनी थी कि जो ट्रिप वाले व्लॉग थे वो ज़्यादा चले नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चले भाई, वो तो चलो हमारा तो काम था टालना भाई, अब चलना ना चलना तो हमारे हाथ में है नहीं। देखो मेहनत तो करी थी यार, मेहनत तो सभी करते हैं, मैंने भी करी, नहीं चले नहीं चले, ये अपने हाथ में है नहीं। बट तुमने जितने मुझे देखा सॉल्व कर दिया, ऐसे मैं हवा जी करूँ कि मैंने सॉल्व कर दिया, बट जितने देखा भाई थैंक यू सो मच। लाइक भी लाइक्स अच्छा है, जो रेशो थी ना लाइक और व्यूज़ की वो अच्छी थी, व्यूज़ नहीं होंगे वो भाई रीच गिर गई मेरे को, पता नहीं कैसे, मेरे हिसाब से 4 दिन से ब्लॉग नहीं डलते, रीच कैसी तैसी हो गई। बट जितने ने भी देखा, जो मेरे लॉयल थे ना, जितने बंदे जिनने सर्च कर करके देखा, उन सब ने लाइक वाइक कर रखा है, तो लाइक और व्यूज़ की रेशो बहुत सही है। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट जेस्चर्स फ्रॉम यू गाइस। मतलब मज़ा आ गया यार। ट्राईपॉड कहाँ लग रहा है? ट्राईपॉड ये पता है छोटा वाला ट्राईपॉड है, मैं दिखाता हूँ कौन सा है। ये गाड़ी में पड़ा हुआ था, फिर मैं इसे ट्रिप पे ले गया था ना, तो मतलब गाड़ी भी ट्रिप पे गई थी तो ट्राईपॉड भी गया ट्रिप पे, और ये ट्राईपॉड फिर गाड़ी से बैग में आया, बैग से फिर बैग ऊपर आया, तो ये ट्राईपॉड अगर मैं इतने दिनों से सोच रहा था इसको घर लाने की, पर नहीं, गाड़ी में पड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत हैंडी होता है इससे व्लॉगिंग करना, और जो घर वाली शॉट होती है जहाँ छोटी स्पेस चाहिए बस मेरे को। अभी मेरा देखो जो मेरा दूसरा वाला ट्राईपॉड है, ये अच्छा लंबा स्ट्रेच रहता है, बट ये काफ़ी लंबा है, तो ये कई बार ऐसे शॉट्स नहीं लिए जाते इस पर। ये वाला ट्राईपॉड सही है जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, और मैं हमेशा ऊपर आके याद करता था, देख गाड़ी में से ट्राईपॉड उठा रहा था, दिखा मैं ट्राईपॉड कितना सही और हैंडी है। तो ये वाला ट्राईपॉड है, इसमें हाइट भी एडजस्ट हो जाती है यार, कैसे होती है ऐसे, ये देखो छोटा हो गया, फिर से स्ट्रेच करना, ऐसे लंबा कर लो इसकी तीनों टांगे। सही ट्राईपॉड है, काफ़ी अच्छा है, रख दो ऐसे खुल जाता है ये, हाँ ऐसे रख दो इसको कहीं भी। धोनी ने एक चैलेंज दिया मेरे को, इसके जब घर बैठे हुए थे हम बातें बातें कर रहे थे, एक चैलेंज दिया उसने मेरे को, और वो चैलेंज में सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो में डालूँ या ना डालूँ, रिवील कर दूँगा क्या है, या सीधा सरप्राइज डालेंगे, छोड़ो इस चीज़ का सीधा सरप्राइज डालेंगे आपको नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जब मतलब आने वाले 2-4 दिनों में दिख जाएगी वो वीडियो, एक चैलेंज वीडियो है हमारी जिसमें मेरे को काफ़ी दर्द होने वाला है। वो चैलेंज वीडियो तो क्या है, मेरी ऐसी तैसी होगी उस वाली वीडियो में, ये गारंटी है, मैं काफ़ी ज़्यादा रिवील कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सारा नहीं बताना, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उठो 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 उठो, एक बार सो मत, उठो ना, पहले उठो तो सही। सोचो क्या है ये, नारियल तो देहरादून का है। हाँ अरे देहरादून में एक दोस्त ने वो कराया था जिसके हम रुके थे ना, उन्होंने भंडारा टाइप से कराया था मंदिर में, तो उसका नारियल है, तो नहीं जाता तो नारियल देते, प्रसाद तो ये है। कोई नहीं भाई, भूल गया था यार, क्या हो गया, मैंने बैग निकाला, ट्राईपॉड के नीचे प्रसाद रखा, मैं कहा ले भाई तुम नाथ को पता नहीं, प्रसाद दिया था ऊपर मंदिर पे ही, और बस इतने साल से वो यही मंडरा रहा था वो। आज क्या तारीख पता ही नहीं यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए वो प्रसाद उसमें था मेरे बैग में, आज दिया है मम्मी को, कम है ना थोड़ा सा भाई। मैं वैसे आज की वाली वीडियो के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो जो मैंने नंबर प्लेट लगवाई है ना, तो मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता किसी को भी लगवाने के लिए, क्योंकि मैं खुद वो नंबर प्लेट नहीं लगाऊंगा, और माय सोल पर्पस फॉर दैट नंबर प्लेट इज़ वीडियो के लिए कभी कभार यूज़ करेंगे, रोड पे नहीं यूज़ करूंगा मैं इसको, और अपनी उस फ्रेम में अपनी 8348 जिंदाबाद वही लगा के घूमेंगे। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं ऐसे इस चीज़ को प्रमोट करूँ, ऑब्वियसली जब मैं खुद ही करूँगा तो प्रमोट कैसे करूँगा। इसी प्यारे से नोट पे इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और या प्लीज़ डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, थोड़ा वर्ड होता है ना इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंसर, अपन तो एंटरटेनर भाई, अपन तो एंटरटेनर बताते हैं अपने आप को। चलो भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो और नंबर प्लेट अच्छी लगी हो, और क्या था मेरे इस ब्लॉग में ध्वनि के घर का सीन था, वो थोड़ा सा उसकी बहन ने शूट किया था, वो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद ब्लॉग करो, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है बाय।